जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज दोस्तों हम मेडिवल हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, और मेडिवल हिस्ट्री की हम शुरुआत करेंगे जो हमारे दिल्ली सल्तनत है वहाँ से। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जानेंगे कि कब मीर कासिम आए हैं, कैसे इस्लाम की उत्पत्ति हुई है, इस्लाम क्या है, ऐसे ढेर सारी बेसिक बेसिक चीज़ें सीखेंगे। और उस टॉपिक को हम डिस्कस करके फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री होगा वो टिल 712 AD तक, 712 ईस्वी तक होगा। और 712 ईस्वी से लेकर के 1757 तक हम मिडिवल हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे होंगे। 712 ईस्वी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है, कैसे है, ये शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। चले तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमारे वहाँ इस्लामिक सिस्टम शुरू हो रहा है। तो इस्लामिक सिस्टम शुरू हो रहा है तो हमें यह जानना होगा कि इस्लाम है क्या। तो सामान्य बोलचाल में बोला जाए तो इस्लाम एक दुनिया के बेहतरीन धर्मों में से एक बेहतरीन धर्म है, जिसे जिसमें हम अरबिक में अल्लाह की वंदना करते हैं और पर्शियन में खुदा के नमाज अदा करते हैं या वर्शिप करते हैं या पूजा करने का कार्य करते हैं। इस्लाम के साथ क्या खास बात है, इस्लाम निराकार है, ये आकार में समाहित नहीं करता है। मतलब इसमें ईश्वर की किसी आकार रूप में कल्पना नहीं की गई। जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या है कि हमने ईश्वर को मूर्त रूप दे रखा है, और हालांकि हमारे वहाँ अमूर्त भी है, लेकिन इस्लाम पूरी तरीके से अमूर्त है। इसमें किसी भी ईश्वर की आकार की कल्पना नहीं की गई है। इस्लाम मानने वाले लोग चार चीज़ों को फॉलो करते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में कुछ बचा था क्या? एंशियंट हिस्ट्री में थोड़ा सा बचा हुआ है क्या? एक छोटी सी क्लास बची है संगम साहित्य पर। तो जब मिडवल वाले में जब मैं कराऊंगा साउथ इंडिया, तो मैं करा दूंगा वहीं पर राष्ट्रकूट, चोल, चेर, पांडे सारा डिस्कस कर लूंगा। मतलब एक छोटी सी साउथ की क्लास बची हुई है, चालुक्य, और चालुक्य हमने डिस्कस कर लिया था। तो हमने कहा इस्लाम को मानने वाले लोग चार चीज़ों को फॉलो करते हैं। एक, कलमा पढ़ते हैं जो शहादत की जो भावना है उसको फॉलो करते हैं। ये दैट इज, आपने सुना होगा उर्दू में कई बार सुनते हैं, उसी को हम एक सामान्य बोलचाल में, देर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज हिज मैसेंजर। मोहम्मद पैगंबर अल्लाह के पैगंबर हैं, दूत हैं, वही अल्लाह के विचारों को हम तक आप तक पहुंचाए हैं। इस बात को भरोसा करना इस्लाम का पहला पिलर कहा जाता है, जिसको हम सामान्य बोलचाल में हमने कहा कि कलमा को पढ़ना, अल्लाह की जो विचारधारा है उसको विश्वास करना। दूसरा, सच्चा मुसलमान 5 टाइम नमाज अदा करता है, रमजान के महीने में रोजा रखता है, जीवन में एक बार जरूर मक्का या मक्का और मदीना की यात्रा करता है। मक्का मदीना क्यों इम्पोर्टेंट है अभी हम सीखेंगे। और एक होता है जकात। जकात आज हम डिटेल सीखने वाले हैं। ऐसा उम्मीद करते हैं कि एक सच्चे मुसलमान को अपनी कुल कमाई का 1/40 या 2.5% गरीब मुसलमानों के लिए खर्च करना चाहिए। तो एक सच्चा मुसलमान इन 5 चीज़ों को फॉलो करता है। जो लोग इनको फॉलो नहीं करते हैं उनको हम गैर मुस्लिम कहते हैं। एक अच्छे शब्दों में मैंने कहा कि उनको हम
नॉन मुस्लिम, गैर इस्लामिक कहते हैं, वे लोग जो इन पांच चीज़ों को मानते हैं उनको हम इस्लाम कहते हैं। और इसमें हमने सारी चीज़ें हमने आपको बताया कि हज की यात्रा करना, रमजान में फास्टिंग रखना, जकात अपनी कमाई का 1/40 हिस्सा देना, 5 टाइम सलाह बोलते हैं इसको, 5 टाइम अपने इबादत करना, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। तो एक सच्चा मुसलमान कौन हो सकता है? तो मैंने कहा जो इन पांच चीज़ों को फॉलो करता हो। अब साथियों, इस्लाम की शुरुआत किसने की है? तो इस्लाम की शुरुआत माना जाता है हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। बताओगे मक्का मदीना कहाँ पर है? थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा अरब के कॉन्सेप्ट को समझना। इनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला था और माताजी का नाम अमीना था। और ऐसा बताते हैं कि ये डेली हीरा नामक गुफा में अपना अंतर्ध्यान ध्यान लगाया करते थे, और वहीं पर उनको 610 ईस्वी में उसी गुफा में इनलाइटमेंट या ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वहीं गुफा से निकलने के बाद सऊदी अरेबिया में, गुड, गुफा से निकलने के बाद उन्होंने मैसेज किया कि अल्लाह के दूत जिब्राइल ने उनको एक आदेश दिया है, एक वचन दिया है, एक प्रवचन दिया है, और वो इस पवित्र पुस्तक कुरान में दी गई है। और इसी के आधार पर, अल्लाह के आदेश के मुताबिक मुझे इस सिस्टम को या इस धर्म को चलाना है। तो पॉइंट क्या है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? मक्का में। कब? 610 ईस्वी में। किस गुफा में? हीरा गुफा में। और किस दूत के द्वारा इनको कुरान की प्राप्ति हुई? तो जिब्राइल के द्वारा प्राप्ति हुई है। कुरान किस भाषा में लिखा गया है? अरबिक भाषा में लिखा गया है। और अरबिक भाषा में लिखा गया, और उसमें कुल 114 अध्याय हैं और कुल 6360 कलमा हैं, पद्य हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये तो था ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो मक्का में हुआ है। लेकिन धीरे धीरे इनका लोगों का इनके प्रति विश्वास बढ़ता चला गया। लोग इनको पसंद करते चले गए, इनकी विचारधारा को, इनके आइडियोलॉजी को। तो वहाँ के जो मक्का के यहूदी और क्रिश्चियंस थे, वही जो हमेशा होता रहता है, आप आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई आपके विरोध में आएंगे ही आएंगे, इन्होंने इन पर दबाव डालना शुरू किया और मजबूर होकर के इनको 622 ईस्वी में मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ा। मजबूर होकर के 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। और इस मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना को क्या कहते हैं हम? हिजारत कहते हैं अरबिक वर्ड में, और इसका मतलब होता है माइग्रेशन, पलायन, मूवमेंट, चले जाना या जाना। और इसी डेट को एक इस्लामिक कैलेंडर 622 ईस्वी को शुरू होता है, इसी के हिसाब से इस्लाम काम करता है, और इस कैलेंडर का नाम है हिजरी संवत। तो याद करो, अब तक हम लोगों ने कई सारे संवत आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। जैसे हमने डिस्कस किया है विक्रमी संवत। विक्रमी संवत कब शुरू हुआ था साथियों? तो हमने कहा था 57 BC में। फिर हमने डिस्कस किया था शक संवत। शक संवत कब? 78 AD में। हमने डिस्कस किया गुप्ता संवत। कब? 319 AD में। हमने डिस्कस किया हर्ष संवत, हर्ष एरा, हर्ष के द्वारा शुरू किया गया 607 ईस्वी में। और अभी हिजरी संवत 622 ईस्वी में। चले, यह हम यहां तक बात कर चुके हैं। तो आज हमें डिस्कस करना है हिजरी संवत क्या है। और साथियों, यही 632 ईस्वी में मदीना में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई, और वहीं पर वो दफन कर दिए गए। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके मन में आता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने कहा कि इस्लाम क्या होता है, इस्लाम की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई, मक्का क्यों फेमस है, मदीना क्यों फेमस है, हिजरी क्या है, हिजारत क्या है, जिब्राइल क्या थे,
कुरान क्या है, ये हमने आपको क्लियर यहां तक बता दिया है। और कोशिश करना है को शेयर करने के लिए टाइम मिलेगा, बिल्कुल कोशिश करना है साथियों कि कहीं डाउट हो तो मुझसे पूछ लेंगे, थोड़ी बहुत जाने अनजाने में कहीं गलती हो जाए तो कोई पर्सनल मत लेना, क्योंकि ये रिलीजियस मैटर है, रिलीजियस मैटर पढ़ाने से जनरली हम लोग बचते हैं, वैसे कोशिश किया कि गलती ना हो। चले अब साथियों इनके उत्तराधिकारी की बात आई कि इनका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो इनके जो सन इन लॉ थे, इनकी पुत्री का नाम था फातिमा और इनके उनका विवाह अली से हुआ था, तो सबने ये एज्यूम किया कि अली ही उत्तराधिकारी घोषित होंगे, लेकिन विरोध के कारण अली उत्तराधिकारी घोषित नहीं हुए। और पहले अच्छा इनके उत्तराधिकारी को हम क्या कहते हैं, खलीफा कहते हैं, अभी हम पूरे दिल्ली सल्तनत में खलीफा वर्ड का जिक्र करेंगे। तो हमने कहा मोहम्मद के उत्तराधिकारी को हम लोग क्या कहते हैं, खलीफा कहते हैं। और जो पहले खलीफा बने वो बने अबू बकर, उसके बाद दूसरे खलीफा बने उमर, तीसरे खलीफा बने उस्मान, और चौथे खलीफा जिनको पहला खलीफा घोषित करना था वो बने थे अली। अब वे लोग जो अली को पहला खलीफा घोषित करना चाहते थे, अली को चाहते थे कि वो खलीफा बने, वो पहले गुरु बने, उनको हम लोग जनरली साथियों शिया के नाम से जानते हैं। इनका संख्या लगभग 15-20% था, इनकी संख्या कम थी, लेकिन वे लोग जो इस बात से सहमत नहीं थे कि अली खलीफा बनेंगे वो लोग सुन्नी कहलाए, और इन्होंने अबू बकर को पहला खलीफा घोषित किया है, और इस तरीके से परंपरा चलती रही। अब हुआ कि अली के पुत्र को हुसैन को हम अगला खलीफा, अगला उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। हमने कहा अली के पुत्र हुसैन को अगला उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। अभी ये सब डिस्प्यूट चल ही रहा है कि एक व्यक्ति है बगदाद का किंग अब्बासी, वो इस बात से सहमत नहीं था कि हम हुसैन को खलीफा घोषित करें, तो उन्होंने सियाओं को मैसेज भेजा कि ऐसा कीजिए आप हुसैन को मेरे पास भेजिए, मैं चाहता हूं कि वो खलीफा बने। अब शिया लोगों ने हुसैन को अब्बासी के पास, बगदाद के किंग के पास भेजा, और अब्बासी ने हुसैन की हत्या कर दी। अब्बासी ने हुसैन की हत्या कर दी और अब विवाद और बड़े लेवल पे हो गया। सुन्नी लोगों ने यह आरोप लगाया सियाओं पर कि तुमने जानबूझ करके हुसैन को अब्बासी के पास भेजा ताकि वो उनकी हत्या कर पाए। इन्होंने कहा नहीं, हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिला था और हम गलत इन्फॉर्मेशन के आधार पर उसके पास भेज दिए थे, हम तो खुद दुखी हैं इस घटना से। इन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी वजह से हुसैन मारा गया है और अब हम तुमसे इसका बदला लेंगे। और इस तरीके से शिया सुन्नी का डिस्प्यूट शुरुआत हो गया। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, हमें इससे बहुत ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन हाँ हमें इसे ज़रूर जानना है कि हुसैन कौन थे, अली कौन थे, पहला खलीफा कौन था। हालांकि खलीफा की परंपरा 1924 तक चली है, जब आप देखेंगे, जब हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाएंगे खिलाफत मूवमेंट, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर भी भारत के इस्लाम कोशिश करते हैं कि जो खलीफा हैं उनको बचा सकें, वो बात की बात है। तो किसी ने पूछा खलीफा क्या है, तो मैंने कहा खलीफा उत्तराधिकारी हैं किसके, पैगंबर मोहम्मद के। और शिया और सुन्नी के बीच विवाद चलता रहा, इस बात से शिया इतने दुखी हुए हुसैन की मृत्यु के बाद कि वो हर साल उनके मृत्यु के उपलक्ष्य में एक शोक दिवस मनाते हैं जिसको हम मुहर्रम कहते हैं। तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन सा दिया है, शिया क्या है, सुन्नी क्या है, और तुर्की का था या तुर्की के लास्ट थे, और मुहर्रम क्या है, तो मुहर्रम कौन मनाता है, शिया कौन है, सुन्नी कौन है, ज़्यादा लोग कौन है।
अभी भी देखे होंगे पाकिस्तान में भी शिया सुन्नी का विवाद शुरू हुआ है। तो थोड़ा बहुत हमने कोशिश किया कि आपको शिया सुन्नी क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए, अली कौन थे, अली के पुत्र कौन थे, पहले खलीफा कौन थे, खलीफा कौन होते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट हो मेरे बच्चों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो, कोई क्वारीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने बोल रहे हैं हुसैन कौन थे, हुसैन वाज द सन ऑफ अली, अली वाज द सन इन लॉ ऑफ पैगंबर मोहम्मद, जो चौथे खलीफा कहे जा सकते हैं या शियाओं के हिसाब से पहले खलीफा कहे जा सकते हैं। चले, क्लियर है साथियों? तो हमने एक बेसिक सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरीके से शिया सुन्नी, और भी बहुत सारे कहानी है मैंने यहाँ पे कहा है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट हमारे काम का कि अली कौन थे, अली के पुत्र कौन थे, अब्बासी क्या था, इससे एग्जाम में जनरली क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि इसका कोई हिस्टोरिकल साक्ष्य नहीं है। जो हमने थोड़े बहुत पढ़े हैं उसके हिसाब से आपको बताया गया। चले, अब शिया सुन्नी के बीच में विवाद बढ़ता चला गया। शिया सुन्नी के बीच विवाद बढ़ता चला गया साथियों, और यह विवाद रिलीजियस लेवल पे इतना बढ़ता चला गया कि बाद में एक और विचारधारा उत्पन्न हुई सूफी, जिन्होंने कहा कि हम इस तरीके के आपसी मतभेद या डिस्प्यूट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और हम ईश्वर को अपने प्रार्थना से, जैसे आप जनरली कवाली बोलते हैं इसको, हम प्रार्थना से अनुनय विनय से इसको कवर करेंगे, पूजने का कोई प्रयास करेंगे, तो हम इस तरीके के विवादों से बचेंगे। दैट इज द सूफी। सूफी कौन? एक रिलीजियस फॉलोअर ग्रुप जो अल्लाह को शांतिपूर्ण तरीके से डिस्प्यूट से बचते हुए पूजने का प्रयास करते हैं। सूफी क्या है, सूफीज्म क्या है, ये सारा का सारा टॉपिक हम डिटेल डिस्कस करेंगे। चले, हमने पूछ रहे हैं कि खलीफा कब से थे, हमने कब तक थे, हमने कहा 1924 तक, 1924 तक। तुर्की का एक बच्चा जवाब भी दे रहा है, तुर्की के थे वहाँ पर। और रही बात, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे से, मैंने पहले ही कहा कि मैं बचते बचाते यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा। बहुत ज़्यादा हमें नहीं एग्जैक्ट रिलीजियस आपका मैटर पता है, हमने जो थोड़ा बहुत पढ़ा सुना है वो हमने बताया है। कोई नाराज़ हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे पे नाराज़ होने की ज़रूरत है। चले, खैर, मैं कोशिश कर रहा था कि इस मुद्दे पे इस टॉपिक को ना पढ़ाऊं, लेकिन फिर भी अंदर का टीचर के नहीं, थोड़ा बहुत बच्चों को जानकारी देना चाहिए। अब रियल कहानी क्या है, जिसको लगता हो कि थोड़ा बहुत गलत है तो मुझे बता भी सकते हैं, मैं सहृदय उसको एक्सेप्ट करूंगा। मैंने साथ में कहा कि इन चीज़ों का कोई हिस्टोरिकल हमारे साक्ष्य नहीं है, हमने जो सुना पढ़ा है थोड़ा बहुत उसके बारे में हमने आपको बता दिया। खैर, तो ये हो गया सूफी क्या है, कैसे हैं। हमें एक पॉइंट बताना था कि आपको कि किस तरीके से इस्लाम उत्पन्न हुआ, मोहम्मद पैगंबर का क्या रोल था, क्या था, कैसे और किस देश से था। तो हमने कहा कि भारतीय इतिहास में दो फेज हमको दिखाई देंगे, मेरे भाई इसको रिलीजियस रंग मत दो यार, चलो ठीक है, जितनी तुम्हारी समझ उतनी। चले, तो दो इन्वेंशन हमारे पास महत्वपूर्ण है, एक था अरबिक, अरब, और दूसरा तुर्किश, तुर्की, अरब आक्रमण और तुर्की आक्रमण। तो पहला शुरुआत होता है हमारे वहाँ कौन सा, अरब इन्वेंशन, अरब आक्रमण। तो भारत में अरब आक्रमण की शुरुआत
712 ईस्वी में जो अल हिलाज ने मोहम्मद बिन कासिम को, वो वहाँ के शासक थे, भारत भेजा था, और 712 ईस्वी में इन्होंने भारत के सिंध प्रांत पर हमला कर लिया, और उस समय सिंध के शासक थे दाहिर, हिंदू शासक थे, उनको पराजित कर दिया, और मोहम्मद बिन कासिम ने आकर के भारत में एक तरीके से इस्लामिक परंपरा की शुरुआत कर दी। और इस लड़ाई का नाम जो इनके दोनों के बीच में हुआ था, उसको हम बैटल ऑफ रेवाड़ के नाम से, रेवाड़ की लड़ाई के नाम से जानते हैं। मोहम्मद बिन कासिम 712 से 714 तक भारत में रहा है, उसके बाद ये चला जाता है। इसकी सेना की थोड़ी सी इम्पोर्टेंस है, इन्होंने नॉन मुस्लिम्स पर जजिया भी लगा दिया है, इनकी उत्तराधिकारी कोई नहीं थे, यहाँ पर सारा कंसंट्रेशन बिगाड़ दिया आपने। लेकिन चलिए कोशिश करते हैं अपना कंसंट्रेशन दोबारा बनाने के लिए। कुछ इधर उधर की बातें कर लेते हैं थोड़े, दो चार मिनट। आप सबकी तैयारी ठीक चल रही है? आपको हमने बोला था कि आपको स्टैटिक जीके में किसी टॉपिक में दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, वो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास मौका है इस वीक 2 से 3 दिन 4 दिन स्टैटिक जीके भी डिस्कस करना है। हम दिल्ली सल्तनत को 2 पार्टों में डिस्कस करेंगे। आज हम मेन रहे जो सुल्तान है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके रिलीजियस मुद्दों पे, और कल ही थोड़ा बहुत एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको स्टैटिक जीके में किसी टॉपिक पर दिक्कत हो तो उस पर आप बोल सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये तो था मोहम्मद बिन कासिम, उनको वापस बुला लिया गया। अरब विजय ने भारत को बहुत सारी चीज़ें दी थी, विजयनगर एम्पायर भी आएगा, विजयनगर एम्पायर, बहमनी, उसी समय ये चोल, चेर, पांडे और संगम साहित, वो एक क्लास लगभग 1.5 घंटे में निपट जाएगा, या जरूरत पड़ेगी तो 2 क्लास 3 घंटे की लेके आएंगे, 1.5 घंटे की। और अरब विजय से भारत में इस्लाम की शुरुआत हो जाती है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद अरब के बाद पॉलिटी कब होगी? ICS के बारे में जानते हो क्या आप सर? ICSI क्या है सर? मुझे तो वीर मराठा पढ़ना है। सब पढ़ाया जाएगा, रिलीजियस टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा, ये पक्का है, ये मैंने सोच लिया, बुरा मान जाते हैं आप लोग। और उसके बाद आएंगे हम टर्किश इन्वेंशन पे। टर्किश इन्वेंशन भारत में कौन शुरू करता है? मोहम्मद गजनी शुरू करता है, फर्स्ट टर्किश इन्वेंटर है, और इसने भारत पर हमला किया और बहुत से लड़ाइयाँ जीती। इनके भारत हमला करने का पर्पज क्या था? तो 2 पर्पज बताते हैं, एक इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, मूर्ति पूजा को ख़त्म करना, गैर इस्लाम को समाप्त करके इस्लामिक परंपरा को आगे बढ़ाना, और दूसरा
भारत से लूटना, तो दूसरा वाला रीजन शायद ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि अब देखेंगे जहां भी हमले हुए हैं वो मंदिरों पे हुए हैं, मंदिरों पे हुए हैं इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर को समाप्त करने के लिए हुए, नहीं, शुरू में हमारे मंदिर क्या थे, हम और आप दान दक्षिणा देते थे, धीरे 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 उनके पास पैसों का संग्रह होता चला जाता था, जैसे आज बैंक का रोल है वही उसमें मंदिरों का था, मंदिर लोगों को ब्याज पे पैसे भी देते थे, बहुत सारे कार्य करते थे, तो मंदिर एक बड़ा सोर्स हुआ करता था धन का, स्वरूप आय का, प्राप्ति का, तो इसलिए उस पर हमला करके उससे पैसे ले जाना एक बड़ा आधार रहता है। अब इन्होंने गजनी ने 971 से 1030 के बीच में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, जयपाल के साथ, फतेह दाऊद के साथ, आनंदपाल के साथ, चंदेल कन्नौज, इन सारे को लड़ाई लड़ी हैं। और गजनी के बारे में बताते हैं कि बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति था, गजनी के साथ ही एक व्यक्ति आया था अलबरूनी, अलबरूनी ने एक बुक लिखी है, बताओ तो सभी लोग बार बार पूछता है कि अलबरूनी ने कौन सी बुक लिखी है, इसे भारतीय इतिहास की पहली बुक में से एक बुक माना जाता है, 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद भारत में आगमन होता है किसका, मोहम्मद गोरी का, दिस इज द थर्ड मुस्लिम रूलर जो भारत में आता है, तीसरा मुस्लिम शासक है और दूसरा सेकेंड टर्किश अटैकर है, तुर्की आक्रमणकारी है, किताबुल हिंद, गुड, कोई कह रहा है रहेला, रहेला गलत बता रहे हो, रहेला मोहम्मद बिन नहीं, मोहम्मद बिन में कह रहे हो, इब्न बतूता ने लिखा था, रहेला तो इब्न बतूता ने लिखा था, चले अब एग्जैक्ट टॉपिक पर आते हैं। तो हमने कहा कि पहले आए अरब, अरबों ने भारत में इस्लाम की शुरुआत कर दी, फिर आए मोहम्मद गजनी, उन्होंने भारत में कई सारी लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारे पैसे यहाँ से धन लेकर के गए, बहुत बड़ा अचीवमेंट उनका नहीं था, मेन जो हमारे वहाँ शुरुआत होगा तीसरे अटैकर मोहम्मद गोरी से, इन्होंने भारत पर हमला किया है और इन्होंने एक तरीके से भारत में इस्लामिक परंपरा की शुरुआत कर दी। इनकी जो पहली लड़ाई मानी जाती है वो है बैटल ऑफ गुजरात 1178 में, इनकी लड़ाई होती है बघेल भीम या राजा भीम देव सेकेंड से और इसमें हार जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है मोहम्मद बिन कासिम अरब से, एक क्वेश्चन बार बार आता है कि मोहम्मद गोरी को हराने वाला पहला हिंदू शासक कौन है या पहला शासक कौन है, तो आप सीधे देखते ही किसको अटेम्प्ट कर देते हैं, तो आप तराइन वाले वार को याद करके किसी और का नाम अटेम्प्ट कर देते हैं, जबकि ओरिजिनल शासक कौन था जिसने इसको पहली बार हराया, तो राजा भीम, बघेल भीम या भीम सेकेंड के नाम से हम जानते हैं। फिर उसके बाद ऐसा बताते हैं कि इन्होंने और भी कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, अब इनको अपनी स्थिति मजबूत करनी थी, तो इसी समय इनके पैरेलल भारत में एक हिंदू शासक जो अजमेर में शासन कर रहे हैं उनसे अब इनको लड़ाई लड़नी थी, और पृथ्वीराज चौहान के साथ, पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के तीसरे शासक हैं, ये ध्यान रखना है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय बोला जाता है इनको, और इसमें मोहम्मद गोरी को ये पृथ्वीराज चौहान हरा देते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इनको मारते नहीं है, छोड़ देते हैं, इनका कहना था कि भागते हुए या बिना हथियार के शत्रु पर मैं हमला नहीं करता हूं, और मोहम्मद गोरी भाग जाता है। फिर अगले साल बड़ी सेना के साथ, बहुत सारी कहानियां हैं कि कई फेजेज में सैनिक लेकर के आया, इस बार पिछली वाली गलतियां जो एक साथ जो इन्होंने अटैक किया था वो ना करने के बजाय इस बार स्ट्रेटजी से लड़ाई लड़ी, और तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उनकी हत्या भी कर दी। तो ये दो लड़ाइयां हमारे इतिहास में काफी महत्वपूर्ण हैं। अब
जो गौरी है इसके पास अपना कोई पुत्र नहीं है, तो इसके जो दास हैं उनको ये पुत्रों के तरीके से ट्रीट करता है, और भारत में अपने शासन स्थापित करने के लिए ये कई सारे दासों के थ्रू अपने शासन को बांटता है। जैसे नासिरुद्दीन कुबाचा को मुल्तान का शासन देता है, इल्दौज को गजनी का शासन देता है, बख्तियार खिलजी को बंगाल का शासन देता है। ये बख्तियार खिलजी वही है साथियों, ये बख्तियार खिलजी वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाया था। तो इस तरीके से शासन बांटता है, और भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर वाला एरिया, पंजाब वाला एरिया, दिल्ली वाला एरिया देता है शासन के लिए, और अपने गौर प्रांत किसी फैमिली के डिस्प्यूट की वजह से वापस चला जाता है, और वहीं पर उसकी हत्या हो जाती है झेलम नदी के तट पर। और 1206 में साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है और दिल्ली में एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है, दैट इज दिल्ली सल्तनत। लेकिन इस बीच में कई सारी और भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जैसे 1194 में जयचंद के साथ चंदावर की लड़ाई लड़ी है गोरी ने, बंगाल बिहार में भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। तो हमारे लिए सीधे पॉइंट है कि अब गोरी हट गया है, गोरी पराजय चला गया है, और गोरी के बाद अब भारत में एक व्यक्ति है कुतुबुद्दीन ऐबक, और वो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर देते हैं। तो हमें मेन जो डिस्कस करना है दिल्ली सल्तनत डिस्कस करना है। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेसिटी हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि पहला डायनेसिटी कौन है, दूसरा डायनेसिटी कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, पांचवा कौन है, क्रम कौन है, लॉन्गेस्ट किसने शासन किया, स्मॉलेस्ट किसने शासन किया, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं। तो एक बार मैं कुछ ट्रिक आपको सिखा देता हूँ और उसको हम यूज करेंगे। पहला है स्लेब डायनेसिटी, गुलाम वंश। दूसरा है खिलजी डायनेसिटी। स्लेब डायनेसिटी 1206 से 1290 तक काम करेगा, खिलजी डायनेसिटी 1292 1320 तक कार्य करेंगे। खिलजी के बाद साथियों तुगलक डायनेसिटी 1322 1414 तक कार्य करेंगे। इसके बाद सैयद डायनेसिटी 1414 to 1451 तक, और फिर लोधी डायनेसिटी 1451 से 1526 तक कार्य करेंगे। तो चलो बताओ, तो सबसे लंबे समय तक किसने कार्य किया, बताओ सबसे लंबा समय किसका था, सबसे लंबा समय किसका है? तो सबसे लंबा देखो साथियों किसका चल रहा है, तुगलक लॉन्गेस्ट सर्विंग। सबसे स्मॉलेस्ट किसका चल रहा है साथियों, खिलजी। सबसे छोटे समय तक, और दूसरा इनका क्रम क्या है, व्हाट इज द सीरीज। तो क्रम है साथियों, बोलते हैं गुड़ खा तसले में, आपको हिंदी इंग्लिश मत बोलने लगना, गुड़ इज द स्लैब, खा से खिलजी, त से तुगलक, श से सैयद, ल से लोदी। खूब क्वेश्चन आए ये एग्जाम में क्रम लगाने के लिए, तो जैसे भी हो आपको इसको याद करके रखना है कि पहला कौन, बाद में कौन, बड़ा कौन, छोटा कौन, यहाँ तक क्लियर हो। गुल खिले तो, एक और ट्रिक बता रहे हैं, गुल खिले तो सलाम,
चलो जैसे भी आपका ट्रिक काम करता हो वैसे आपने यूज करना है। तो हमने कहा जैसे एक ट्रिक हमने बताया था, याद करो हसीन, क्या था ट्रिक बताओ, तो मैं ही भूल रहा हूँ उसको। हसीन क्या था, मैं हर एक वाला हर एक, तो ये तो हो गया गुड़ खा तसले में, हसीन मासुका साथ में, यस हसीन मासुका साथ में, जो मुगल मगध पर जिन लोगों ने शासन किया था, अब है दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले लोगों का क्रम। यहां तक हो चुका हो तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो पहला हम डिस्कस करेंगे स्लैब डेंसिटी। स्लैब डेंसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मामलुक डेंसिटी, मामलुक डेंसिटी, मामलुक वंश। मामलुक क्या है यह भी एक बार एसएससी ने और कई बार यूपीएससी ने पूछा है, मामलुक क्या होता है। तो मामलुक का मतलब है, देखो दास का पुत्र दास कहलाएगा, स्लैब का जो सन होगा वो दास ही कहलाएगा। लेकिन मान लो कोई ऐसे एक व्यक्ति हैं, इन ये इंडिपेंडेंट हैं, मैं और आप हैं, मान लीजिए हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट व्यक्ति का पुत्र स्लैब बन जाए तो ऐसा स्लैब कहलाएगा मामलुक। क्लियर है, दास का पुत्र दास लेकिन स्वतंत्र पिता से उत्पन्न हुआ दास क्या कहलाएगा, मामलुक। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इंडिपेंडेंट मदर फादर से उत्पन्न हुआ पुत्र मामलुक पुत्र, और दास पुत्र से पिता पुत्र से उत्पन्न हुआ पुत्र क्या कहलाएगा, दास ही कहलाएगा। चल इसकी शुरुआत करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, रियल फाउंडर है इल्तुतमिश, इसमें एकमात्र महिला है रजिया सुल्तान, ये पांचवी सुल्ताना है दिल्ली सल्तनत की। फिर एक कट्टर व्यक्ति आएगा बलबन, और लास्ट आएगा नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो पहले से हम शुरू करते हैं साथियों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है या जो दिल्ली सल्तनत है उसको समझो, सल्तनत सुल्तान उसे कहेंगे जो खलीफा से अप्रूवल लेगा, खलीफा से स्वीकृति लेगा। खलीफा कौन है हमने सिखा दिया, जनरली सामान्य बोलचाल में इस्लामिक गुरु जो सुप्रीम उस समय का, दैट इज द खलीफा। वैसे हमने बताया कि पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारियों को हम खलीफा के रूप में जानते हैं। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये खलीफा से स्वीकृति नहीं ले पाए थे, तो इनको हम सुल्तान नहीं कह सकते। लेकिन वैसे यदि एग्जाम में पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, तो हमें ऐबक कर लेना है। लेकिन यह पूछा जाए कि स्पेशली वो व्यक्ति जिसने सुल्तान की उपाधि ली वो होगा इल्तुतमिश, इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, इन्होंने 1206 में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और लाहौर से ही दिल्ली सल्तनत का शासन शुरू कर दिया। और गोरी से सभी प्रकार के संबंध समाप्त कर दिए, इनको लाख बख्श भी कहते हैं। ये बेसिकली ये डरे हुए थे कि बाकी गुलाम बाकी इनका विरोध न कर दें, या जनता के समर्थन के लिए इन्होंने क्या किया, बड़े लेवल पे दान दिया ताकि इनको सुल्तान के रूप में कोई दिक्कत ना हो, और उसी वजह से हम इनको लाख बख्श भी कहते हैं। और इनके दरबार में कौन था, हसन निजामी, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये लास्ट में हम करेंगे, एक पोएट वाला लिस्ट बनाएंगे कौन सा पोएट किसके दरबार में था और किस उसने कौन कौन सी मेन मेन बुक लिखी, उससे प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। इन्होंने ख्वाजा बख्तियार खिलजी के सम्मान में दिल्ली में कुतुब मीनार की शुरुआत की थी, लेकिन पूरा किसने कराया था साथियों, इल्तुतमिश ने करवाया था। इन्होंने कुतुबुल इस्लाम दिल्ली और एक अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर, अजमेर में बनवाया था, दोनों मस्जिद हैं। और ये भारत के एकमात्र सुल्तान कह लें जिनको घोड़े से गिरकर, जिनकी हमने बताया था कि दो लोग ऐसे थे जिनकी गिरकर मृत्यु हुई थी, एक हुमायूं जो सीढ़ियों से गिर के मरे थे और एक
ये एबग जो घोड़ा घोड़े से चौगान खेलते समय पोलो खेलते समय गिरकर जिनकी डेथ हो गई थी, और इनके बाद इनका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन वो योग्य नहीं था, तो इसलिए इसके एक गुलाम, इसी के एक स्लेव जो इसका दामाद भी था इल्तुतमिश, वो गद्दी पर बैठा और उसने दिल्ली सल्तनत को वास्तविक रूप दिया जो आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ पा रहे हैं। यदि ये पूछा जाए रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश, स्लेब ऑफ स्लेब इल्तुतमिश, क्योंकि एबक किसका स्लेब था, गोरी का, और इसका स्लेब कौन था, इल्तुतमिश। हालांकि ये सुल्तान बनने से पहले दास्ता से मुक्त हो गया था, तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे एसएससी लेवल पे बात इतने से बन जाएगी कि स्लेब ऑफ स्लेब किसे कहते हैं, रियल सुल्तान कौन है, पहला सुल्तान कौन है, वास्तविक फाउंडर कौन है, तो इन सब का जवाब क्या होगा, इल्तुतमिश। अब साथियों, इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया और इसने दो तीन बड़ी शुरुआत की जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसने भारत में अरेबिक क्वाइंस शुरू किए, अरेबिक सिक्के शुरू किए हैं, और इसने सिल्वर और कॉपर का, सिल्वर का क्वाइन क्या कहलाता था, ये क्वेश्चन बार बार आता है, दैट वाज टंका, और कॉपर का दैट वाज जीतल। अब देखो, इन्होंने कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहलाता है, कैसे वो देखिए। अब मान लीजिए आपको कोई कंपनी इस्टेब्लिश करनी हो, आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना हो, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए। अब इतना बड़ा पैसा है नहीं, तो आप क्या करते हैं, आप कुछ लोगों को अपने साथ इकट्ठा करते हैं कि ऐसा करते हैं हम मिल करके एक सिस्टम अपडेट करते हैं, मैं उसको लीड करूंगा, मैं इल्तुतमिश हूं, और एक दो तीन ऐसे 40 लोगों को तैयार करता है। इन 40 लोगों को कहा जाता है चहलगानी, 40 नोबल लीडर्स कह लीजिए, 40 सरदारों का दल कह लीजिए। इन्होंने बोला जी हमें क्या मिलेगा इसके बारे में, हम यदि आपके साथ काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इन्होंने कहा कि देखो, आई एम फर्स्ट इन इक्वल, मैं शासन करूंगा लेकिन आप सबके मदद से करूंगा, मैं आप सबका लीडर हूं, हम सब मिलकर शासन करेंगे, मैं इसके बदले में, हम जैसे जैसे जीतते जाएंगे आप मुझे सैनिक का मदद करोगे, सैनिक के रूप में, घुड़सवार के रूप में, मैं इसके बदले में आपको भूमि दूंगा और इस भूमि को कहा जाएगा इकता। बोला ये क्या होगा, तो कहा इस भूमि से आने वाला सारा का सारा टैक्स आप रखोगे, बस इसके बदले में आप मुझे सैनिक की सहायता करते रहना। क्लियर है, दो तरीके हो सकते थे, या तो ढेर सारा पैसा लगा के ढेर सारे सैनिक रखे जाए और उनको महीने महीने सैलरी दी जाए, वो पॉसिबल नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने इनको कहा कि ऐसा करिए आप हमें सैनिक दे दीजिए, हम मिलकर धीरे धीरे अपना प्रशासन बढ़ाएंगे, अपना शासन बढ़ाते चले जाएंगे, और जैसे जैसे भूमि बढ़ती जाएगी वो हम आपके बीच बांटते चले जाएंगे। तो इन 40 सरदारों के दल को क्या कहा जाता है, चहलगानी, और इस भूमि दान देने के सिस्टम को क्या कहा जाता है, इकता। अब यहां पर दो क्वेश्चन यहां से तैयार होता है, आगे के लिए मैं यही बता देता हूं। इकता क्या है, ग्रांड ऑफ लैंड, भूमि दे रहे हैं हम आपको, क्यों आप इसके बदले में मुझे सैनिक दे रहे हैं, और चहलगानी क्या है, 40 सरदारों का दल। ये शुरुआत तो हो गया, मैं और आप कह देंगे चलो जी मिलके कंपनी इस्टेब्लिश कर लेते, लेकिन धीरे 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 सबको क्या लगने लगेगा, मेरी वजह से तो कंपनी चल रही है, मेरी वजह से तो शासन चल रहा है, तो हमेशा इन 40 सरदारों ने सल्तनत में प्रॉब्लम जनरेट की है। इसी 40 सरदारों में से एक व्यक्ति होगा बलबन, बाद में आकर के ये इस चहलगानी सिस्टम को खत्म करेगा और इसके जगह पर एक डिपार्टमेंट बनाएगा, दीवाने अर्ज,
जिसको हम कहेंगे सैन्य विभाग। कहा कि ये रहेंगे तो सिस्टम को ठीक से चलने नहीं देंगे। मैं खुद ही उस हिस्से का मेंबर रहा हूं तो मुझे अच्छे से पता चल रहा है। तो इन्होंने चैलगानी को खत्म कर दिया, लेकिन जो सैनिक रखे अभी उनको सैलरी नहीं दे पाया, अभी भी उनको थोड़ा बहुत भूमि ही दे रहा है। यानी पॉइंट क्या है, क्या एकता को खत्म किया? जवाब है नहीं। सिर्फ किसको खत्म किया? चैलगानी को। क्वेश्चन है कि एकता को किसने खत्म किया? डायरेक्ट कैश देना शुरू किसने किया? तो एकता को खत्म करने का श्रेय किसको जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। कुछ बुकों में दोनों को एक साथ जोड़ दिया है, तो मुझे लगता है कि आप इस चीज को आप समझ पाए होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एकता क्या है, चहलगानी क्या है? चहलगानी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? एकता को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? क्या यहां तक क्लियर है आपको? चहलगानी, एकता, दोनों को शुरू किसने किया, दोनों को खत्म कौन कर रहा है, दोनों में अंतर क्या है? इसी को मैं पूछूं सैन्य विभाग किसने स्थापित किया, तो बलबन ने। मैं पूछूं डायरेक्ट कैश देने की सिस्टम की शुरुआत किसने की, अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता को खत्म किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर है साथियों यहां तक? चल तो हमने कहा कि बलबन ने क्या किया, चहलगानी सिस्टम की शुरुआत की, कुतुब मीनार को पूरा किया, एकता सिस्टम को शुरू किया। चल और इनकी एक खास बात क्या है, तो इन्होंने भारत में उत्तराधिकार का, खास बात क्या है कि इन्होंने भारत में उत्तराधिकार का एक सिस्टम शुरू किया। उत्तराधिकार का एक सिस्टम शुरू किया। द सिस्टम वाज कि अब हमारे हम शासक सुल्तान अपने जगह पर उत्तराधिकारी घोषित कर पाएगा। और इन्होंने पैटर्न से हट करके अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और यहीं पर साथियों, इन्होंने एक ऐसे टाइम पीरियड में, मिडिवल टाइम पीरियड, आप सोच के देखो, जब महिलाओं को पर्दा प्रथा में रहना है, बहुत ज्यादा लिमिटेशन में रहना है, और ऐसे समय में एक महिला को नामित करते हैं, तो पूरा जो इनका ग्रुप होता है वो नाराज हो जाता है। और बहुत सारी साजिशें रची जाती हैं कि रजिया को शासन ना दिया जाए। फिर रजिया, ये जो मस्जिद बना है जिसका नाम हमने कहा कुतुब मीनार, यहाँ पर श्वेत वस्त्र में आती हैं दिल्ली की जनता के सामने और अपील करती हैं कि हमारे पिता ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया था। फिर दिल्ली की जनता साथ देती है और इल्तुतमिश रजिया गद्दी पर बैठती हैं, लेकिन हमेशा उनके सामने समस्याएं खड़ी की जाती रही हैं। इसी बीच एक विद्रोह होता है अल्तुनिया में, अल्तुनिया के द्वारा बठिंडा में, उसको दबाने के लिए वो वहां जाती हैं और उनके अब्सेंट में रजिया के जो भाई हैं उनको गद्दी पर बैठा दिया जाता है, आराम शाह, बैराम शाह को। अब रजिया इनके साथ विवाह करके वापस आती हैं ताकि मैं शासन करूंगी, लेकिन बीच रास्ते में ही इनकी हत्या कर दी जाती है। और इस तरीके से रजिया का जो जीवन है पूरी तरीके से, मतलब ऐसा बताते हैं कि काश रजिया एक पुरुष होती तो शायद दिल्ली सल्तनत की सबसे योग्य शासिका में से एक शासिका हो सकती थी, क्योंकि इल्तुतमिश ने बहुत सारे उम्मीदों के साथ उनको नियुक्त किया था। तो यह हमारे लिए एक पॉइंट है कि रजिया कौन से नंबर की शासिका थी, तो दिल्ली सल्तनत की पांचवी शासिका है, फिफ्थ। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका किसकी पुत्री? इल्तुतमिश की। चले, इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन इन पर नहीं रहता है। रजिया के बाद बहराम शाह गद्दी पर बैठते हैं, इनके बारे में कोई खास उपलब्धि नहीं है। फिर उनके बाद मसूद शाह बैठते हैं, इनके टाइम पर पूरा का पूरा शासन सब कुछ बलबन के कंट्रोल में ही चल रहा है। नासिरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पर तक आते आते बलबन पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं।
और लास्ट में बलबन इनकी हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ जाते हैं। बलबन का वास्तविक नाम क्या है? उलूक खान। ये क्वेश्चन आता है। बलबन का वास्तविक नाम क्या? उलूक खान। और बलबन ने सबसे सबसे जो मेन समस्या देखी थी किसकी देखी थी? 40 सरदारों के दल की, चालीसा की। तो उन चालीसा की वो को समाप्त करते हैं और क्या शुरू करते हैं? तो हमने कहा था इसके जगह पर वो एक सिस्टम शुरू करते हैं सैन्य विभाग का। और इस सैन्य विभाग को उर्दू में हम क्या वर्ड यूज करते हैं? दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज। दूसरा, बलबन पहले व्यक्ति हैं जो ये कहने में सफल होते हैं कि जो सुल्तान या शासक होता है वो ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, शैडो ऑफ गॉड। इसलिए सभी की जिम्मेदारी है कि शासक की सुल्तान के आदेशों को फॉलो करे। सभी की जिम्मेदारी है कि सुल्तान या शासक के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसको सहमति दे। और इस बात के लिए उसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी क्या है? कि मैं शासक हूँ और मुझे शासन करने में जो भी दिक्कत करेगा मैं उसके साथ कठोरता से पेश आऊँगा। और ऐसा बताते हैं कि सबसे क्रूर शासकों में से एक क्रूर शासक है। यदि किसी को भेजता था कि इस जगह जाओ युद्ध करके, और यदि डर हार जाता तो डर के मारे नहीं आता था, क्योंकि मार देता था। इन्होंने दरबार में अपनी इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए सिजदा और पैबोस की परंपरा शुरू की। सिजदा का मतलब है पूरी तरीके से नतमस्तक होकर के सुल्तान का नमन करना, और पैबोस का मतलब है पैर को चूमना, किसिंग द फिट ऑफ द मोनार्क, यानी अपने आप का वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर रखना। ऐसा बताते हैं कि अपने आप को अलग दिखाने के लिए ये मुकुट भी बहुत बड़ा पहनता था। दरबार में सिर्फ एक ही कुर्सी होती थी जिसमें यह बैठता था, बाकी पूरे दरबारियों को, मंत्रियों को, सबको दरबार में खड़ा रहना पड़ता था, सिर्फ इस बात के लिए कि मैं अपने आप को सुपीरियर दर्शा पाऊँ। क्योंकि जो 40 सरदारों का दल था वो हमेशा से इसके लिए प्रॉब्लम करता रहा है। क्लियर है पॉइंट? सिजदा पैबोस शुरू किया, 40 सरदारों का दल खत्म किया, दीवाने अर्ज शुरू किया है, और इसका ओरिजिनल नाम क्या था? उलूक खां। और इसने एक उपाधि ली है जिल्ले इलाही, यानी ईश्वर का रूप, ईश्वर का प्रतिबिंब। और अपने आप को जो नोबल थे उनसे रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए इसने क्या किया? नौरोज सिस्टम की शुरुआत की। आपको मैंने बताया था कि नौरोज सिस्टम हमारे यूनेस्को के इन हेरिटेज साइट के इनटेंजिबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है, यानी यूनेस्को के इनटेंजिबल जो साइन हैं उनमें से इसको मान्यता दी गई है। तो हमारे लिए दो पॉइंट हो गया, दीवाने अर्ज किसने शुरू किया, नौरोज किसने शुरू किया, सिजदा पैबोस किसने शुरू किया, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किसने शुरू की, और जिले इलाही की उपाधि धारण किसने की थी। चले, ये किसके लिए त्यौहार है? पारसियों का त्यौहार है। और बलबन की मृत्यु के बाद उसका इसका डर खौफ इतना था कि पुत्र भी इससे दूर ही रहते थे, तो उसका पौत्र ग्रैंडसन गद्दी पर बैठा है। और ग्रैंडसन के ऊपर आरोप है कि ये बाई कैरेक्टर बहुत अच्छा नहीं था, और लास्ट में 4 साल बाद ही जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। और भारत में एक नए डायनेस्टी की शुरुआत होती है, खिलजी डायनेस्टी की। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वारीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वारीज की हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बलबन, इल्तुतमिश, ऐबक, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वारीज हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने आपको सिजदा पैबोस बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि इन्होंने तुर्काने चहलगानी समाप्त किया था। चले,
अगला है खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश, सबसे छोटा। हमने कहा सर 1292 1320 जलालुद्दीन खिलजी 1290 to 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 to 1316, मुबारक खिलजी 1316 to 1320 और खुजरो खां या खिजर खां, दोनों नाम एक ही है। चले मंगोल कब आए थे? मंगोल जो भारत में बसेंगे वो बसेंगे जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर भारत में। हालांकि एक पॉइंट आप यहाँ पे जानना चाहिए आपको, ये भी अच्छा क्वेश्चन याद दिला दिया इसने। एक है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के टाइम पर जो चंगेज खां हैं वो जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते करते भारत के बॉर्डर पर पहुंच जाता है और जलालुद्दीन मंगबरनी इल्तुतमिश से मदद मांगता है, लेकिन इल्तुतमिश उसको मदद देने से मना कर देता है। और ये कहते हैं कि इस तरीके से इल्तुतमिश ने अपनी दूरदर्शिता का उदाहरण दिखाते हुए भारत को एक तरीके से मंगोल अटैक से बचा लिया। लेकिन मंगोल जो आके भारत में बसे हैं, जिनको नौ मुसलमान कहते हैं, जिन्होंने इस्लाम अपना लिया, दिल्ली में अभी सुना होगा आपने मंगोलपुरी एक जगह है, तो जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे आकर बसते हैं। जो भारत में पहला मंगोल अटैक एग्जैक्ट सामना करता है वो जलालुद्दीन खिलजी। सबसे अधिक मंगोल हमला जो भारत में हुआ है वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। चले पहला आते हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी, सर एक क्वेश्चन है था कि वो हु इंट्रोड्यूस क्वाइन विथ लक्ष्मी फिगर ऑन इट। इल्तुतमिश कर देंगे, अरबिक पैटर्न पे है सारा का सारा, उन्होंने रजिया के नाम से भी बनाया है इल्तुतमिश ने। अब जलालुद्दीन खिलजी ने भारत में खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की, लेकिन ये जब खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करते हैं इस समय इनकी उम्र ज़्यादा है, 70 ईयर है। ये कई सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं और इनकी लड़ाइयों में से एक बड़ी लड़ाई का उदाहरण जो है ये दिल्ली छोड़ करके साउथ इंडिया तक भी जाते हैं, और हालांकि उनको बहुत ज़्यादा वहाँ सफलता नहीं मिलती है। और जो दिल्ली में एक आपने सुना होगा दिल्ली दुरस्त, दिल्ली अभी दूर है, वो जो टाइटल है वो इन्हीं के लिए है। जब उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी कि मैं खैर 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 गलत हो रहा है, तो हमने कहा कि जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी, लेकिन वो 70 साल के थे और इनका कोई बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी हत्या करके शासन को अपने कंट्रोल में कर लिया। आपने एक मूवी भी आया था जिसमें जलालुद्दीन खिलजी के बारे, अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे उपलब्धियों को दिखाया गया। उसमें एक सीन दिखाते हैं कि जब वो अपने ससुर की, अपने जो जलालुद्दीन खिलजी उनकी हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं, और ये पहला व्यक्ति है जब खलीफा को मानने से मना कर देता है और खुद सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करता है। ऐसा आरोप है कि ये खुद का एक अलग धर्म भी चलाना चाहता था। अब वो कितना सही है कितना गलत है उससे मतलब नहीं, लेकिन हमें ये जरूर जानना है किसने स्वयं को सेकंड सिकंदर कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए सानी को उपाधि किसने धारण की, अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावत में, यस। और ये अपने इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए, अपने सुपरमेसी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि इसके सामने सबसे ज्यादा दिक्कत थी अमीर जो एलिट ग्रुप था, 4 ऑर्डर पास करता है ताकि अपने सिस्टम को बनाए रखे। पहला कहता है कि किसी भी लेवल पर जो एलिट क्लास है, अपर सोसाइटी है, वो बिना इसके परमिशन के कोई भी सभा सम्मेलन कोई भी उत्सव नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार के दिल्ली में
शराब की बिक्री नहीं होगी और अपना इंटेलिजेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत करता है और जितने स्पेशल पावर दिए गए थे अमीरों को, एलिट ग्रुप को, वो सारा का सारा ख़त्म कर देता है। तो ओवरऑल क्या मतलब है कि अपने इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए ये बहुत कंट्रोल्ड, बहुत मजबूत प्रशासन की शुरुआत करता है और उसमें सबसे मजबूत प्रशासन के जो इसका रोल रहा है वो खुफिया तंत्र का रहा है। इसने जो सबसे बड़ा काम किया था, इक्ता सिस्टम को समाप्त किया था। इक्ता सिस्टम को समाप्त करके परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी शुरू की और इनको कैश सैलरी, नगद वेतन देना शुरू किया। नगद वेतन देना शुरू किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्ता सिस्टम किसने ख़त्म किया। आप एक पॉइंट यहीं पर और भी थोड़ा सा याद करें, इक्ता स्टार्ट किसने किया था साथियों? स्टार्टेड बाय इल्तुतमिस। एबोलिस्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन साथियों इसे बाद में कोई फिर स्टार्ट करेगा। रीस्टार्ट किसने किया था इसे? रीस्टार्ट किसने किया दोस्तों इसको? तो इसको रीस्टार्ट करेगा फिरोज शाह तुगलक। तो अभी के लिए पॉइंट याद रखना है कि शुरू किसने किया था, इक्ता सिस्टम क्या था, तो हम सिखाई चुके थे, खत्म कौन करा, अलाउद्दीन खिलजी, और दोबारा स्टार्ट कौन करेगा, फिरोज शाह तुगलक। अब इन्होंने कैश वेतन देना शुरू किया। अब ऐसा बताते हैं कि जो कैश वेतन होता था वो इतना नहीं था कि सैनिकों की जरूरतें पूरी हो पाए। अब उतना नहीं है कि सैनिकों की जरूरतें पूरी हों तो अब क्या किया जाए, तो चीज़ों का प्राइस बढ़ने से रोका जाए। तो इसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी लागू किया। ये क्वेश्चन भी आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली जो शुरू की थी, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, वो किस पर्पज़ से शुरू की थी? तो उसका पर्पज़ था सैनिकों की ज़रूरतों को पूरा करना। उसका पर्पज़ क्या है? सैनिकों की ज़रूरतें पूरी हो पाए, प्राइस इतना ज़्यादा ना हो जाए ताकि सैनिक अपनी ज़रूरत को पूरा ना कर पाए। इसके लिए इसने प्रॉपर एक डिपार्टमेंट शुरू किया है और एक ऑफिसर शहनाए मंडी की नियुक्ति की, जिसका एक कार्य था कि बाजारों को ऑर्गेनाइज वे में प्राइसिंग करना, कीमत निर्धारण करना, कोई भी उससे वजन से कम यदि वजन करे तो उसको कठोर सजा देना। और इसने भारत में चार कैटेगरी में बाजारों को ओपन किया, एक अनाजों का बाजार, दूसरा बेसिक नीड का, तीसरा घोड़ों का, दासों का, पशुओं का, और चौथा मिसलेनियस। ओवरऑल इसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को बड़े लेवल पर शुरू किया। और इस डिपार्टमेंट को हमने दीवाने रियासत के नाम से, और इसका जो ऑफिसर था वो कौन था? शहनाए मंडी। और ये कहा गया कि हर चीज़ का कीमत डिसाइड होगा, उससे ज़्यादा कीमत बेचने पर सजा, दिए गए अमाउंट से कम वजन करने पे सजा, और कठोर सजा की बात करते हैं। ऐसा बताते हैं कि वो छोटे बच्चों को भेज देता था दुकान पर कि जाओ ये वस्तु खरीद के लाओ, और यदि दुकानदार कम वजन करता था तो उसके शरीर से उतना ही मांस निकाल करके बराबर किया जाता था ताकि जो व्यापारी हो उसको डर हो कि इस तरीके की गलती नहीं करनी है। तो ये हमने बता दिया, नायब रियासत इसका ऑफिसर हुआ करता था और इस डिपार्टमेंट का नाम दीवाने रियासत हुआ करता था। और इस काम को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए उसने क्या कहा था, क्या किया था? एजेंट सिस्टम
गुप्तचर व्यवस्था को सबसे मजबूत रखा। दिल्ली सल्तनत की सफलता में जो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा रोल है उसमें यही है कि उन्होंने जो गुप्तचर सिस्टम है उस पर बहुत मजबूती से काम किया है। हमने कहा कठोर सजा देता है और भारत में भूमि मापन की शुरुआत इसने की है। पहला सुल्तान है जिसने भूमि मापन की शुरुआत कर दी है, क्योंकि यदि हमें कैश देना है सैनिकों को तो हमारे पास टैक्स आना चाहिए, और टैक्स आने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास जो लैंड है उसका पूरा डाटा होना चाहिए। तो पहली बार भूमि मापन की जो शुरुआत करता है वो यही करता है और लैंड रेवेन्यू सिस्टम को बेहतर करता है। हम आपको बताएं तो साथियों, इस्लाम के हिसाब से चार टैक्स लगता है, जजिया, जकात, खराज और खुम्स। तो जजिया तो नॉन मुस्लिम्स पे था, ये उधर आपने देखा था कि भारत में इसकी शुरुआत किसने की थी, देखो याद करो, अभी आज ही बताया आपको। तो ये चलता चला रहा था नॉन मुस्लिम्स पर लगने वाला टैक्स, इस बात के लिए कि हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत टैक्स देना होगा। खुम्स क्या होता था, जैसे सैनिक जाते थे किसी पार्टिकुलर एरिया में युद्ध के टाइम, तो उनको अधिकार था कि उस जगह को लूट सकते थे। तो जितना लूटेंगे उसका 1/5 हिस्सा शासक को जाता था, सुल्तान को, और 4/5 पार्ट जाता था सैनिक को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा कर दिया, कहा कि नहीं, 4/5 हम लेंगे, आप सिर्फ 1/5 लेंगे। यानी कभी हम एग्जाम में पूछें कि सबसे ज्यादा टैक्स किसने लगाया है, तो सबसे ज्यादा टैक्स लगाया है अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाया है, मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। यस, सबसे ज्यादा टैक्स किसने लगाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने। जकात क्या था, खराज क्या था, एग्रीकल्चर टैक्स। कृषि कर इल्तुतमिश बलबन ने लगभग 1/3 लगाया है, लेकिन इसने 1/2 तक लगाया है, आधे तक, ये भी सबसे ज्यादा। और जकात हमने बताया ही था, मुस्लिम्स को अपनी कमाई का एक हिस्सा देना था ताकि शासक गरीब मुसलमानों के लिए खर्च कर सके। तो ओवरऑल मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज्यादा टैक्स लगाए हैं। अलाउद्दीन खिलजी इतना ज्यादा टैक्स लगाता था ताकि सैनिकों को वेतन प्रॉपर दिया जा सके, और ये सब तभी पॉसिबल था जब प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हुए, तभी पॉसिबल था जब भूमि का मापन संभव हो। इसलिए इसने आके पहली बार भूमि मापन की प्रणाली को शुरू किया है। यहां तक कोई डाउट हो, कोई क्वारीज हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। और आपने रानी पद्मावती के बारे में पढ़ा होगा, जौहर किया था, रतन सिंह की पुत्री थी। जौहर का मतलब है जिंदे अपने आप को जला लेना, और ये किसके कहां से जानकारी मिलती है, पद्मावत से। पद्मावत किसने लिखी है, मलिक मोहम्मद जायसी ने। और
इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, दिल्ली सल्तनत को बढ़ाने के लिए साउथ इंडिया पर अपने सबसे योग्य सेनापति जो इसका है मलिक काफूर, उसको भेजता है और मलिक काफूर जा करके देवगिरी को पराजित करता है और अपने दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लेता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत ने साउथ इंडिया में अटैक करने की शुरुआत या साउथ इंडिया को भारत में दिल्ली सल्तनत में शामिल करने की शुरुआत किसके समय पर? अलाउद्दीन खिलजी के समय में, और किसके नेतृत्व में? मलिक काफूर के नेतृत्व में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में खास बात क्या है? ये बिल्कुल इलिटरेट है, लेकिन फिर भी इसने अपने दरबार में बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को जगह दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में सबसे ज्यादा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज्यादा मंगोल अटैक हुए हैं। इस मंगोल अटैक से बचने के लिए उसने क्या किया था? सिरी में किला बनवाया था ताकि मंगोलों के आक्रमण से बचाया जा सके। तो यदि क्वेश्चन पूछे कि सबसे अधिक किसके टाइम में मंगोल आक्रमण हुआ है, तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके टाइम में साथियों? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। चले, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। करे सर, आपने गोरी बताया था। नहीं, यदि ये पूछा जाए सबसे पहले किसने शुरू किया है, तो उसी को लेकर चलना है। अब इस सुल्तान खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर, लास्ट सुल्तान कौन है? खिजर खां। इसकी हत्या गाजी मलिक कर देता है और गाजी मलिक ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। सर बहुत फास्ट है? बहुत फास्ट तो नहीं यार, इतने आराम से तो कर रहे हैं। सर रेगुलर क्लास नहीं हो रही? रेगुलर तो हो रही, कल कल नहीं हो पाई थी। कल इसलिए नहीं हो पाई थी, कल ये मैराथन क्लास चले थे, कल नहीं हो पाई थी, बाकी डेली तो होती है। यदि बहुत फास्ट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपने हिसाब से तो धीमे ही चल रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको सब कुछ समझते चले। चले, अब इसके बाद आएंगे ग्यासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज तुगलक और लास्ट इसमें मोहम्मद शाह तुगलक। हमने कहा था ये लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी है, सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। चल, तो हमने कहा गाजी मलिक ग्यासुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठते हैं। इनके बारे में कोई बहुत ज्यादा उपलब्धि नहीं है। इन्होंने दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की है, और एक वो जो गलती से मैंने जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में बोल दिया था, इन्हीं के टाइम पर एक व्यक्ति थे जिनसे इनकी नाराजगी हो गई थी, जिन्होंने कहा निजामुद्दीन औलिया कि दिल्ली दुरुस्त है, दिल्ली अभी दूर है। ऐसा बताते हैं कि ग्यासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के बीच में थोड़ा मतभेद हो गया था, तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि मैं दिल्ली आके तुमको देखता हूँ, तो उन्होंने कहा दिल्ली अभी दूर है। तो जब ये तुगलक अपने पुत्र जूना खां को वारंगल भेजते हैं जीतने के लिए, और जब वो वापस आते हैं तो उनके सम्मान में दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, और ऐसा आरोप है कि
कि उस कार्यक्रम में साजिश के तहत ग्यासुद्दीन तुगलक की हत्या कर दी गई, क्योंकि उस कार्यक्रम के दौरान जो हाथी हैं उसमें भगदड़ मच जाती है और हाथियों के भगदड़ की वजह से टेंट गिर जाता है। उस टेंट में के गिरने से ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो दोनों तरीके का आरोप है कि इन्होंने जानबूझ के मराया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो नेचुरल था, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है कि ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद उनके पुत्र या उल्लू खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठे। अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही ज्यादा विवादास्पद शासकों में से एक शासक है हमारे पास। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दो तीन पॉइंट जान लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को हम दिल्ली सल्तनत का सबसे लिटरेट शासक, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे हम्बल, सबसे उदार व्यक्ति, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो हिंदू होली और दिवाली के कार्यक्रमों में शामिल होता था, एक ऐसा शासक जो सभी के प्रति उदार भावना रखता था। लेकिन इनके कई सारे डिसीजन थे जिसके वजह से हम इनको असफल शासक की संज्ञा देते हैं, हम इनको मूर्ख शासक की संज्ञा देते हैं। उन्होंने ऐसे क्या क्या कार्य किए वो हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा कि सबसे लिटरेट आए, सबसे पढ़ा लिखा है तो यही होगा। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी अनपढ़ है, लेकिन उसके टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा सफल रहे, क्योंकि उसके जूनियर, उसके माता है, तो उसके सेनापति सबसे योग्य रहे। ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी ये असफल शासकों के काउंटिंग में आते हैं। अब इन्होंने ऐसा क्या क्या काम किया, एक एक करके देखते हैं। पहला इनका राजधानी परिवर्तन का प्रयास 1327 में। ये अपनी राजधानी देवगिरी लेके जाना चाहते थे, ऐसा आरोप है, ऐसा कहते हैं कि जो दिल्ली था वो बीच में नहीं था, तो ये बीच में लेकर के राजधानी को जाना चाहते थे ताकि पूरे भारत पर अच्छे से शासन कर सके। एक तो कॉन्सेप्ट ये, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि नहीं, ये दो राजधानियां रखना चाहते थे। हमें इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है कि दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद लेगा और दौलताबाद का नाम बदल के देवगिरी लेगा और देवगिरी का नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया, दौलताबाद। सारे लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सुल्तान थे, इन्होंने कहा कि नहीं, सबको चलना पड़ेगा, सारे अमीरों को चलना पड़ेगा। तो उस समय इतना बड़ा तो कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था नहीं, बहुत सारे लोग इनके साथ दिल्ली से चले वहाँ जाने के लिए। तो ऐसा बताते हैं कि कई सारे लोग रास्ते में ही मर गए, कई सारे जानवर की सिर्फ बॉडी के कुछ पार्ट्स पहुँचे, उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलों के तहत पूरा दरबार को यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया गया। लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्होंने महसूस किया कि ये गलत डिसीजन था, तो कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि नहीं, वापस दिल्ली चलते हैं। तो ये एक इनका असफल कार्यक्रम माना जाता है। ट्रांसफर कैपिटल, हमारे काम का क्वेश्चन क्या है, कहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया था, किस नाम से था, नया नाम क्या था, इसमें बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस में हुआ। फिर है टोकन करेंसी 1929-30। हमने आपको शायद एक टॉपिक बताया था टोकन करेंसी और भारत की मुद्रा कैसी मुद्रा है, सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी, और एक दूसरा बताया था हमने स्टैंडर्ड मनी मानक मुद्रा। हमने कहा था स्टैंडर्ड मनी वो मुद्रा होती है गोल्ड क्वाइन या सिल्वर क्वाइन। तो विश्व में सबसे पहले टोकन करेंसी चाइना लेके आया था और उस शासक का नाम था कुबलाई खां, और उन्होंने पेपर करेंसी लेके आए थे। टोकन करेंसी क्या होता है, जो लोग नए हैं उनके लिए बता दें, टोकन करेंसी मीन्स सांकेतिक मुद्रा का अर्थ है जिस मुद्रा का फेस वैल्यू बाजार मूल्य उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से
उत्पादन मूल्य से ज्यादा हो। और हमने कहा कि भारत का जो पेपर करेंसी है, हमारा नोट है, ये इसी का एग्जाम्पल है। या नॉर्मल मेटल के जो क्वाइंस होते हैं, सामान्य धातु का, उसको हम क्या कहते हैं, सांकेतिक मुद्रा। और ऐसा बताते हैं कि चाइना के शासक से प्रभावित होकर के इनको लगा कि हम भी टोकन करेंसी को लागू कर सकते हैं, और टोकन करेंसी की इन्होंने शुरुआत करने की कोशिश की। लेकिन टोकन करेंसी तभी सक्सेस होगी जब उसका डिज़ाइन ऐसा हो, जैसे 500 का नोट है, क्या इसको बनाने में 500 लग जाता है? नहीं। 2000 का नोट है, क्या इसको बनाने में 2000 लग जाता है? जवाब है नहीं। तो लोग इसको नहीं बना पाते हैं, क्यों? क्योंकि इसको हमने बहुत सारे डिज़ाइन, बहुत सारे कॉपी, बहुत सारे चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, ताकि लोग नकली ना बना पाए। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में क्या हुआ, इन्होंने उठाया लेदर क्वाइन या कॉपर क्वाइन और एक सिंबल बना दिया और कहा कि ये क्वाइन 500 रुपये का, ये क्वाइन 2000 रुपये का। स्थिति यह हो गई कि लोगों ने घरों में ही छापना शुरू कर दिया, और इतना छापा कि नकली सिक्कों की संख्या असली से ज़्यादा हो गई, लोग असली सिक्कों पर संदेह करने लगे। फिर अचानक मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि यार, मैंने तो एक ऐसा काम कर दिया जिससे आम जनता, आम नागरिक को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इन्होंने इस टोकन करेंसी के डिसीजन को वापस ले लिया और कहा कि नहीं, हम ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं चलाएंगे, हम ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे जिससे हमारी जनता को दिक्कत का सामना करना पड़े, और जिसके पास नकली करेंसी है वो मुझे दीजिए, मैं उसके बदले में असली करेंसी दूंगा। उन्होंने कहा अच्छा, असली दोगे? उन्होंने कहा हाँ, असली देंगे। तो लोगों ने क्या किया, और नकली छापे और उसके बदले में असली लिए। तो इससे भी इनको बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हुआ। अब एक तो ट्रांसफर, कैपिटल का ट्रांसफर, यहाँ फाइनेंशियल लॉस, टोकन करेंसी, यहाँ फाइनेंशियल लॉस। अब इन दोनों लॉस को कवर करने के लिए इनको क्या करना था, टैक्स बढ़ाना था, क्योंकि टैक्स आएगा तभी दरबार चलेगा। तो जो गंगा यमुना का प्रोडक्टिव लैंड वाला एरिया है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, ताकि जो नुकसान हुआ उसको पूरा किया जा सके। लेकिन इनका दुर्भाग्य देखिए कि जैसे इन्होंने टैक्स बढ़ाया, उस एरिया में सूखा पड़ गया। लेकिन जब तक इनको पता चलता कि वहाँ सूखा है, तब तक ऑर्डर पास हो चुका था, वहाँ की जनता ने और विरोध कर दिया, और फिर इनको वो डिसीजन भी वापस लेना पड़ा, यानी ये कार्यक्रम भी इनका फेल हो गया। और किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक डिपार्टमेंट, दीवान ए, को ही एग्रीकल्चर विभाग की स्थापना की, कृषि मंत्रालय की। और तकावी लोन यानी एडवांस लोन देना शुरू किया किसान को, कि यदि आपको दिक्कत है तो आप हमसे लोन लीजिए और खेती कीजिए। यह अपने आप में एक बड़ा डिसीजन था उस समय, इतने बड़े लेवल पर सोच पाना। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन कि कृषि मंत्रालय किसने शुरू किया, तकावी लोन किसने शुरू किया, एडवांस लोन देना शुरू किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे काम किए, सिंचाई की व्यवस्था की, इरिगेशन के लिए नहरें बनवाए, हालांकि बड़े लेवल पर ज़्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया है। और फाइनली 1351 में इनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत सारे मामलों में योग्य शासक हैं। और फिर इनके उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक बैठते हैं। तो तीन बातें और जान के रखना है कि सबसे बड़ा एरिया यदि पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में किसके टाइम था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। लेकिन धीरे धीरे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे बहुत सारे राज्य अलग हो गए, दौलताबाद, देवगिरी, इधर आपका विजयनगर, बहमनी, बहुत सारे राज्य अलग होने लगे। और उसमें जो गिना चुना जो रोल था
वो फिरोज तुगलक ने और पूरा कर दिया, ये एक निर्योग्य उत्तराधिकारी साबित हुए और इन्होंने अमीरों को खुश करने की प्रथा का पालन किया और इन्होंने एकता सिस्टम को दोबारा शुरू कर दिया, सैनिक व्यवस्था को हेरिडिटरी कर दी। और ऐसा आरोप है कि इनके टाइम पीरियड पर आते आते करप्शन एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। किसी सैनिक ने इनसे शिकायत की कि जो मेरा हेड है वो मुझसे घूस मांग रहा है घोड़ों को पास करने के लिए। कहा कोई बात नहीं, दुखी मत हो, ये लो पैसा और ले जाकर दे देना और पास करवा लेना, जबकि एक शासक के रूप में उसको एक्शन लेना चाहिए था। तो ये निम्न लेवल की उदारता का उदाहरण कर देता है। और यहाँ तक आते आते पूरी तरीके से तुगलक डायनेस्टी, अच्छा इन्होंने जजिया को बड़े लेवल पर शुरू किया है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था और फिर इन्होंने दोबारा शुरू कर दिया है। ढेर सारे शहर बसाए हैं, सब ज्यादा नहरें बनाई इन्होंने, ये हमने बता दिया था, जजिया जकात खराज खुम्स फतेहाबाद हिसार फिरोजाबाद ढेर सारे शहरों का निर्माण कराया। इन्होंने गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, अनाथों के लिए दीवाने खैरात, गरीबों के लिए, अनाथों के लिए और दासों की बेहतरी के लिए दीवाने बंदगान स्थापित किया। यानी एक ऐसा उदार व्यक्ति जिसने दिल्ली सल्तनत को बर्बाद करने में सारा का सारा सहयोग किया है, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान। और फिर तैमूर के आक्रमण के समय 1398 में एक मिनट, एक यहीं से डाटा उठा लेते हैं। मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पीरियड पर फाइनली तुगलक डायनेस्टी समाप्त हो जाती है और उसके बाद फिर एक सैयद डायनेस्टी की शुरुआत होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे, या हो सकता है क्विज ही डिस्कस कर लें, जैसा होगा हम बता देंगे। अभी हमारे पास पूरा सैयद बचा है, उसमें भी थोड़ा ही टाइम लगना है। लोधी, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका रिलीजियस, इनका आर्किटेक्चर, इनका लिटरेचर, सारा का सारा बचा है, तो अगली क्लास में उसको देखेंगे। आज के लिए यहीं पर हम खत्म करेंगे। कुछ बता रहे हैं इब्न बतूता, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे इब्न बतूता क्या है, रहेला क्या है, तो क्वेश्चन जब आएगा तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपके साथ क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। ये तो इतना बड़ा टॉपिक है, मुझे कोशिश करना था कि 1.5 घंटे में सारे साथ हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखेंगे, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।